हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं रॉकी ज्ञान टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसा लिस्ट लेके आया हूँ जिसमें आपका नाम यदि होता है तो यहाँ पर पूरे 50, 65, 90 हज़ार तक में पूरे 1 लाख तक का छूट मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और इस कोरोना वायरस की महामारी में, इस लॉकडाउन में सरकार सभी लोगों को कुछ न कुछ राहत पैकेज दे रही है। तो इसी लॉकडाउन में सरकार ने एक ऐसा लिस्ट तैयार किया जिसमें यदि आपका नाम है तो आपको पूरे 1 लाख रुपए तक का छूट मिलने वाला है। इस लिस्ट में इनका नाम आने वाला है, जो उन लोगों का नाम है जो अपना किसान लोन लिए हैं, चाहे वो कोई भी लोन लिए हों या किसान कर्ज लिए हों, उनका नाम अगर इस लिस्ट में आता है तो पूरे 50, 70, 80 नहीं पूरे 1 लाख रुपए तक का छूट मिलने वाला है। तो जैसा कि आप लोग लिस्ट में देख सकते हैं, आवेदन कोड, बैंक नाम, किसान के नाम और आधार नाम और पता के साथ में छूट राशि दिया है 80,000, 80,000, 80,000, 50,000, 22,000, 40,000, इस तरह का छूट, सभी छूट राशि दिया है। तो ये छूट कैसे पता करेंगे कितना छूट मिला है, तो इसको देखने के लिए चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं कैसे पता करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं गूगल में जाके सर्च कर लेना होगा jansuchana.rajasthan.gov.in। इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके भी इस पेज को ओपन कर सकते हैं। तो गूगल में जाके हमें सर्च कर लेना होगा। और एक बात बता दूं, ये राजस्थान के किसानों के लिए कर्ज माफ़ी की सूचना लिस्ट है। आप यहां से केवल राजस्थान के लिए, यदि आप दूसरे राज्यों से हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस राज्य का वीडियो मैं बनाऊँगा। तो इसमें देखिए वर्ष दिया, वर्ष यहाँ से सेलेक्ट कर लेना 2018-2019। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे लिस्ट आ गया, कितने लोग लिए हैं 2019 में मैंने सेलेक्ट किया। तो देखिए बैंक का नाम, संख्या और कुल छूट की राशि और विवरण दिया है। इसके बाद हमें देखिए और ढेर सारे लिस्ट है हर जगह का है। तो यहाँ से आप जिस पे क्लिक करना है, यहाँ पे बैंक के नाम से क्लिक कर सकते हैं कौन से बैंक से लोग लिए हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये बैंक का नाम, शाखा का नाम आ गया, व्यक्ति क्या, कितनी लाभार्थी हैं और कुल छूट राशि कितना है वो दिया है। तो इस पर देखिए हमें अधिक जानकारी पे क्लिक करना होगा, कौन से शाखा से आप लिए हैं बैंक के। जैसे यहाँ पे देखिए बिलवाड़ा DCCB बैंक है यहाँ, तो एसिंद बैंक का नाम दिया है। तो यहाँ पे कौन से बैंक से लिए हैं, कौन से शाखा से, उस पर उसके सामने अधिक जानकारी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए बैंक का नाम, बैंक शाखा का नाम और पैक्स का नाम दे दिया, संख्या दे दिया और कुछ छूट राशि। तो कौन से पैक्स से लिए हैं उस पर अधिक जानकारी, पैक्स नंबर दिया, पैक्स का नाम दिया, बिजौलियाँ देखिए। तो इस पर हमें अधिक जानकारी पे क्लिक कर देना होगा। अधिक जानकारी पे क्लिक करने के बाद देखिए आवेदन कोड आ गया, बैंक का नाम आ गया, किसान का नाम आ गया और आधार नंबर आ गया और पता भी आ गया, ठीक है। और कुल छूट राशि यहाँ पे देखिए 80,000 दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए लोन दिखा रहा है बिलवाड़ा DCCB बिजौलिया और यहाँ उदयलाल, देखिए आधार नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे कल्याण पूरा दिखा रहा है, यहाँ पे 80,000, 50,000, 35,000, ढेर सारे लिस्ट दिखा रहा है। तो यदि इस लिस्ट में यदि आपका नाम मिलता है तो आपका इतना राशि आपको सरकार की तरफ से छूट किया गया है, जो आपका लोन माफ़ कर दिया गया है। यदि आप दूसरे प्रदेश से हैं और उस देश का वीडियो देखना चाहते हैं, आपकी अपनी लिस्ट चेक करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस राज्य का वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले ऐसे वीडियो की अपडेट हो आप लोग मिलती है। और जो भी समस्या हो, जानकारी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों।